दोस्तों अब आपके फोन की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी क्योंकि आ गया है फोन डॉक्टर प्लस। दोस्तों इस ऐप की मदद से अगर आपके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे 2 सेकंड के अंदर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर OTG कनेक्टिंग का प्रॉब्लम है या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिंग का प्रॉब्लम है यानी आपके फोन के अंदर टचिंग प्रॉब्लम है यानी आपके फोन के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो आप इस ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस ऐप का यूज कैसे कर पाएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब हम कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्ले स्टोर से उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है फोन डॉक्टर प्लस। दोस्तों इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 1 मिलियन डाउनलोड है और 3+ के यहां पर रेटिंग है। तो दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ऐप है, आप भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कीजिए और आप अपने फ़ोन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं इस पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और उसका यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप जितने प्रोग्राम दिए हुए हैं आप इन प्रोग्रामों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट का ऑप्शन, तो आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे फ़ोन के अंदर मल्टी टच को चेक करना है तो उसके लिए हम मल्टी टच पर क्लिक करेंगे। जैसे हम मल्टी टच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 फिंगर से हम उस पर डबल टाइप करेंगे। जैसे इस पर डबल टाइप करेंगे तो यहाँ पर फिर 4 फिंगर से यहाँ पर हमें डबल टाइप करना होगा। तो यहाँ पर डबल टाइप जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हैं मल्टी टच बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का मार्क आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टच स्क्रीन को चेक करना है, आपकी टच स्क्रीन सही काम कर रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों टच स्क्रीन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स बने हैं सारे को आपको इरेज करना होगा। तो यहाँ पर हम जैसे हम इसे इरेज करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यहाँ पर इरेज हो रहा है, यानी कि हमारा टच स्क्रीन जो है बिल्कुल सही है, कोई भी वहाँ पर गड़बड़ नहीं है। यानी कि आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ पर टच स्क्रीन भी मार्क लग चुका है, यानी ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अब अगर आप इसी तरह से पूरे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो यह आपको बता देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा, वहाँ पर आपको गलत का निशान आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी सेटिंग है सारी सेटिंग को आप चेक कर सकते हो। दोस्तों जब आप राइट साइड को जाओ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपने ऐप में आपके फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप हैं आप यहाँ से उसको स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिया है तो आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। अगर आप इसे क्लेन करना चाहते हो आप यहाँ पर क्लेन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये क्लेन हो जाएगा। इसके बाद जब आप राइट साइड को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और आपको यहाँ पर आपकी बैटरी का स्टेटस बताएगा कि आपकी बैटरी ख़राब तो नहीं हो रही है। आप यहाँ से अपनी बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो नीचे दिख रहा होगा स्टार्ट का ऑप्शन, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो वहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा और आपके बैटरी का स्टेटस आपको वहाँ पर बता देगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब हम कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।